हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो विद ग्रेस। तो आप सभी देख रहे हैं ना कितने सुंदर ये प्लांट लग रहे हैं। ये कोलियस का प्लांट है और बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। अगर आपको अपने गार्डन में कलर्स चाहिए, आपके पास फूल उतने नहीं है, तो ये काफी होता है आपके गार्डन में कलर्स भरने के लिए। देखिए इनमें कितनी सुंदर सुंदर वेराइटीज आती है, कितनी सुंदर सुंदर कलर्स है। मेरे पास 5-6 वेराइटीज के तो है, लेकिन मुझे अगर ये मिलता है कहीं पे अभी भी तो मैं जरूर एड कर लेती हूँ। और ये बहुत ही अच्छे से छोटे छोटे छोटी कटिंग से जल जाता है। ये मैंने कटिंग्स ही लगाई हुई है जो हुक वाले प्लांटर आते हैं उनमें, और ये मेरे कुछ कटिंग्स लगाए हुए थे मैंने ये हैंगिंग प्लांटर्स में, और ये हर टाइप के प्लांटर्स में अच्छे लगते हैं। और इनमें आप नमी बनाए रखिए, इनको बस एक ही रिक्वायरमेंट होती है कि मिट्टी में नमी बने रहना चाहिए। और गर्मियों में ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो इस पे हम स्प्रे भी कर सकते हैं पानी का, और बहुत ही अच्छे से ये ग्रो करेगा। और ये मेरे कुछ प्लांट जो छत पे रखे हुए हैं उनकी पत्तियां डल हो रही हैं, बहुत ज्यादा धूप हो रहा है, इनके कलर्स बहुत ज्यादा फेड होने लगे हैं, तो मैं इनको भी नीचे शिफ्ट कर दूंगी। पहले तो जो ये लगी से ब्रांचेस निकले हैं मैं उनकी कटिंग्स लगा लूंगी, और ये बहुत अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। अभी भी इस मौसम में भी कभी भी इनकी कटिंग्स लगाई जा सकती है, बस शेड में रखना होता है कटिंग्स लगाने के बाद कुछ दिनों तक। फिर मैंने इन स्टेम्स की कटिंग कर ली अच्छे से, और फिर इनको अच्छे से कटिंग से लगा देंगे। ये बहुत आसानी से कटिंग से ग्रो हो जाता है, छोटी छोटी टिप्स भी इनकी कट की हुई लगा दो तो वो ग्रो हो जाती है। मेरे पास एक बहुत ही छोटे छोटे स्टेम्स में मतलब मैंने पिंचिंग की हुई थी वो प्लांट की, वो भी मैंने कटिंग लगा दिया था एक्सपेरिमेंट करने के लिए, वो भी लग गई है, तो मैं अभी वो आपको भी दिखाऊंगी। तो फिर मैंने इस प्लांट की कटिंग को लगा दिया, और मैंने ये जो पिंच किया इतनी सही कटिंग्स लगाए हुए थे, और वो प्लांट मेरा इतने अच्छे से ग्रो हो गया है कि उसको देख के इतनी सारी खुशी होती है ना, इतने छोटे से प्लांटर में है वो। तो फिर मैंने इसको अच्छे से 2-3 नोड एरिया छोड़ के कट किया, और इसकी सारी कटिंग्स को ऐसे ही लगा देंगे। और आप एलोवेरा की हेल्प ले सकते हैं कटिंग्स लगाने के लिए, बहुत ही अच्छे से जर्मिनेट हो जाता है ये प्लांट। और इस प्लांट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, बस कुछ टाइम पे जो हम नॉर्मल लिक्विड फर्टिलाइजर देते हैं मैं उस वही दे देती हूँ इसमें, और ये अपने आप ग्रो होता रहता है। बस ये है कि इसकी मिट्टी पूरी तरीके से ड्राई नहीं हो, फिर ये आराम से चलता है। और इसको सुबह की रोशनी बहुत पसंद होती है, तो लेकिन अभी बहुत ज़्यादा धूप हो रहा है, इनकी पत्तियाँ जलने लगी हैं, तो मैं क्या करूँगी धीरे धीरे इनको नीचे शिफ्ट कर दूंगी, बालकनी में सुबह की धूप आती है। और ये जो वो कटिंग है जिसकी मैं बात कर रही थी, देखिए आप सभी कितनी अच्छे से ग्रोथ हुई है इसकी, पूरे रूट्स गमले के बाहर आ रहे हैं, और इतना छोटा सा ये गमला है, इसमें भी मैंने वो पिंचिंग की हुई कटिंग्स लगाई थी और वो अच्छे से चल गई हैं। और ये कुछ और वेराइटीज़ की कटिंग्स जो मैंने लगाई हुई थी, जो मेरे नीचे प्लांट रखे हुए हैं, वो कटिंग्स भी अच्छे से ग्रो कर रही हैं। तो आप इनको अगर एक बार ऐड कर लेते हैं फिर उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से बहुत ही जल्दी इसकी कटिंग्स ग्रो हो जाती हैं, और इनको मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। आप एलोवेरा की हेल्प से लगा सकते हैं, नहीं भी है तो भी ये कटिंग्स आसानी से चल जाएंगी। इनको हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, और ये हर टाइप के प्लांटर्स में बहुत ही क्यूट लगते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। और ये प्लांट मैंने मिक्स करके कटिंग्स लगाया हुआ है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, इसको जहां भी लगाएंगे वहां पे बहुत अच्छे कलर्स ऐड कर देगा। तो अपने गार्डन में कलर्स ऐड करने के लिए ये प्लांट परफेक्ट है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।